तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम का एक बहुत स्पेशल रिलेटेड सीन रिवील हुआ है। ये सीन तो मूवी में होना ही चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों ये सीन हटा दिया गया। तो आइए उस सीन की बात करते हैं। इस सीन में हम लोग देख सकते हैं कि आयरन मैन जैसे ही अपना दम तोड़ता है, धीमे धीमे सारे एवेंजर्स और गार्जियंस उसको ट्रिब्यूट देने लगते हैं। स्टार्टिंग करते हैं क्लिंट बार्टन से। यहाँ पे हॉकाई सबसे पहले बैठता है, उसके बाद उसको देख के ब्लैक पैंथर भी बैठ जाता है, उसके बाद कैप्टन मार्वल बैठती है, और साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं पीटर जेसेथ क्विल, नेब्यूला और वैल्करीन को भी एक साथ उसको ट्रिब्यूट देते हुए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है एंट मैन ट्रिब्यूट देते हुए, उसके बाद कैप्टन अमेरिका भी ट्रिब्यूट देते हुए नजर आते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी आगे बढ़ के उसको ट्रिब्यूट देते हैं, इतने ज्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गमोरा, जो दूसरे टाइमलाइन की है, 2014 की गमोरा, अभी भी जिंदा है और वहां से चली गई है। अब यहाँ पे ये सीन अगर रहता तो ऑडियंस डबल रोती एवेंजर्स एंड गेम में, लेकिन यहाँ पे ये सीन इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि सीजीआई वर्क अनफिनिश्ड था। अब इस पिक में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉर मशीन का जो पूरा सूट है वो अनफिनिश्ड सीजीआई है, और हम लोग हल्क को भी देख सकते हैं, ये वही पुराना वाला सीजीआई यानी फिनिश नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और सामने आती है सीन में, इस सीन में गमोरा जिंदा यानी गमोरा स्नैप का शिकार नहीं हुई थी और यहाँ पे गमोरा बच गई थी, यानी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में पीटर का एक मेन मिशन होगा कि वो गमोरा को खोजे। अब यहाँ पे काश ये सीन रहता, लेकिन फाइनली हमें इस एक्सटेंडेड वर्जन में ये सीन देखने को मिला है, और वो भी फुल HD में या के 4K में। तो दोस्तों आपको ये सीन कैसा लगा? आपके हिसाब से ये सीन इंक्लूडेड होना चाहिए था हॉल में कि नहीं? वैसे मेरे हिसाब से तो ये सीन होना चाहिए था हॉल में, ताकि ऑडियंस को और देखने में ज्यादा मजा आता। अब यहाँ पे अगर बोनस सीन की बात करें, तो अगर हल्क का जो अनफिनिश्ड CGI सीन है उसकी जगह ये सीन दिखा देते एक्स्ट्रा ट्रिब्यूट टू टोनी स्टार्क सीन, तो मूवी और ज्यादा ऑसम होती जो री रिलीज हुई थी। तो दोस्तों आप अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। Thank you for watching.